अभी तक तो नीट यूजी पेपर लीक प्रकरण का सलटारा भी नहीं हुआ था, लेकिन एक के बाद एक यूजीसी नेट और नीट पीजी के पेपर कैंसिलेशन की भी घोषणा हो गई। ये सारी बातें एनटीए की भूमिका पर सवाल उठाती हैं। क्या है एनटीए, क्या है एनटीए का उद्देश्य और एनटीए द्वारा पेपर बनाने से लेकर स्टूडेंट्स के हाथ में पेपर पहुंचने तक वो कौन से स्टेप्स हैं जहां से पेपर लीक होने की संभावनाएं बनती हैं, उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। एनटीए का फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक स्वायत्त संस्था यानी ऑटोनोमस बॉडी है जो कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और स्कॉलरशिप हेतु एंट्रेंस एग्जाम्स आयोजित करवाती है। एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं में जेईई मेंस, एडवांस, नीट, सीयूईटी, यूजीसी नेट इत्यादि सम्मिलित हैं। एनटीए की स्थापना 2017 में हुई थी और दिसंबर 2018 में एनटीए ने पहली यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित की थी। एनटीए का संचालन एक गवर्निंग बॉडी करती है और एनटीए की इस गवर्निंग बॉडी में एक चेयरपर्सन होता है, एक मेंबर सेक्रेटरी होता है और 8 कोर सदस्य होते हैं। परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए एनटीए प्रतिबद्ध होता है। एग्जाम में आने वाले प्रश्नों का चयन करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो और एग्जाम्स आयोजित करने के लिए जो संस्थान हैं उनको आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी जो होती है वो एनटीए की होती है। इसके अतिरिक्त परीक्षा का सिलेबस, मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर जारी करने का काम भी एनटीए का होता है। साथ ही साथ परीक्षाओं की आधिकारिक सूचना और आवेदन पत्र भी एनटीए द्वारा ही जारी किए जाते हैं। ये सब जानकर आपको भी लग रहा होगा कि प्रश्न पत्र लीक होने का सारा उत्तरदायित्व जो है वो एनटीए का ही बनता है। आपका ऐसा सोचना कुछ हद तक सही है, लेकिन चीजें जितनी सिंपल दिखती हैं उतनी सिंपल होती नहीं है। होता ये है कि एनटीए प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों के चयन के लिए एक्सपर्ट सेलेक्ट करती है। ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो पेपर के डिफरेंट सेट्स रेडी करते हैं। पहले होता ये था कि ये प्रश्न पत्र अंग्रेजी या हिंदी में उपलब्ध होते थे, लेकिन अब उसके साथ बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं जोड़ दी गई हैं। यदि आप देखें तो अभी जो नीट का पेपर भी आता है वो हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर लगभग 13 भाषाओं में ये प्रश्न पत्र उपलब्ध होते हैं। तो जहां ट्रांसलेशन की बात आई वहां लोगों की एक और श्रृंखला जुड़ गई जो प्रश्नों का ट्रांसलेशन करेंगे। अब यदि एग्जाम डिजिटल ना होके फिजिकल होना है तो उन प्रश्न पत्रों को प्रिंट करवाया जाता है, तो फिर प्रिंटिंग के लिए एक और श्रृंखला जुड़ गई। अब प्रिंटिंग के बाद में इन प्रश्न पत्रों को जो पहले से ही प्री डिसाइडेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा उन संस्थानों में भेजा जाता है, तो एक और लेयर आई, वो आई कुरियर के माध्यमों की, जिन कुरियर के माध्यम से जो है परीक्षा पत्र सेंटर्स तक पहुंचाए जाते हैं। फिर सेंटर पे जो एक स्टाफ एलोकेटेड होता है वो एनटीए का स्टाफ नहीं होता, वो उस इंस्टीट्यूट का स्टाफ होता है। अब वहाँ पर जो स्टाफ है वो पूरा ऑपरेशन संभालता है, वहाँ पर प्रश्न पत्र रखे जाते हैं और एग्जामिनेशन वाले दिन प्रश्न पत्रों को स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अब आप देखिए एनटीए जहाँ पर प्रश्न पत्र बनते हैं और स्टूडेंट्स जिसके हाथ में आते हैं, इन दोनों के बीच में बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कुरियर से लेकर प्रिंटिंग वाले लोग, ट्रांसलेशन वाले लोग, कंडक्ट करने वाली संस्थाएं हैं, उसका स्टाफ, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब वहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं जहाँ से पेपर लीक हो सकते हैं। बहुत सारे लोग पेपर लीक के लिए एनटीए को जिम्मेदार मान रहे हैं, वहीं पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो पेपर लीक की घटनाओं को रोक नहीं पा रही है। लेकिन भविष्य में पेपर लीक की घटनाएं ना हो, इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं एनटीए को और ज़्यादा जो है पावर्स देने की आवश्यकता है। दूसरा, अभी तक पेपर लीक के मामले में कोई बहुत कड़क कानूनी कार्यवाही नहीं होती थी, लेकिन अब एंटी पेपर लीक कानून बना दिया गया है जिसके अंतर्गत अनुचित साधनों का प्रयोग करने या पेपर लीक करने के लिए 3 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। साथ ही इस कानून में एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि परीक्षाओं को आयोजित करने में जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनके लिए भी अकाउंटेबिलिटी बनाई गई है कि अगर पेपर लीक के मामले में जो नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर है वो दोषी पाया जाता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का भी जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये जो जुर्माने और सजा की जो डर है वो कहीं ना कहीं पेपर लीक की घटनाओं पर पूर्ण विराम लगाने में सहायक होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।